हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। क्रिकेट के पिच पर लड़खड़ाती बल्लेबाजी के लिए मशहूर विराट कोहली अब बोलते समय भी लड़खड़ाने लगे हैं, और जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं रजत पाटीदार की उम्दा बल्लेबाजी तो नहीं है कोहली की इस जुबानी लड़खड़ाहट के पीछे की वजह। आइए बताते हैं आपको कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल विराट कोहली ताज़ा अपनी चमक बिखेरने वाले रजत पाटीदार का इंटरव्यू ले रहे थे, और इस इंटरव्यू में ऐसा लग रहा था कि जैसे विराट कोहली बेमन से इंटरव्यू ले रहे हों। इसी बीच वो एक बड़ी गलती भी कर बैठे। जी हाँ, विराट ने रजत का नाम लेते समय उनका सरनेम बोलने में भी गलती कर दी और पाटीदार की बजाय पाटीदार कह दिया। जी हाँ, जिस पर रजत ने उन्हें टोकते हुए कहा पाटीदार। इसके बाद तो देखिए कोहली भी रजत को दोहराते हुए कहते हैं पाटीदार। और इस वाक्य के बाद देखिए सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि किंग कोहली और रन मशीन जैसे नामों से मशहूर विराट कोहली को रजत पाटीदार से डर लगने लगा है, और इसी डर की वजह से वो हिचकिचाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर इन बातों से हटकर आंकड़ों की बात करें तो कोहली का ये डर लाजमी है, क्योंकि इस बात की गवाही देते हैं पाटीदार के आंकड़े। मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहने वाले पाटीदार किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करने में सक्षम है। घरेलू सर्किट में मध्य प्रदेश की तरफ से खेलने वाले पाटीदार ने अपने देखे T20 करियर में कुल 38 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 34.42 की औसत से 1136 रन ठोके हैं। और देखिए पिछले मुकाबले में शतकीय पारी खेल सुर्खियों में आए रजत पाटीदार के आंकड़े देख आप समझ गए होंगे कि कोहली की जुबान क्यों लड़खड़ा रही थी। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपको सोने से ज्यादा चमक रहे इंदौर के रजत की बल्लेबाजी के बारे में, साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या वजह रही होगी कोहली की लड़खड़ाती जुबान के पीछे। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।